हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ ना इकोनमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डिबेट बहुत टाइम तक चलती रही फाइनली हमने कंक्लूजन ये निकाला दोनों इंपॉर्टेंट है और विकास तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप अगर आप इन्वायरमेंट या पर्यावरण का साथ में ध्यान नहीं रखेंगे एंड फॉर दैट रीजन

But ये तो ये कर्व, 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 मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ़ तो दोनों है क्या? वो हम आज की वीडियो में जानेंगे वे वी गोइंग टू अंडरस्टैंड पहले कजनेट कर्व, उसके बाद हम जानेंगे जानेंगेमेंट कजनेट कर्व क्या होता है तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं पर पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए फेमस कजनेट कर्व विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली शोज द रिलेशन विच द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी इनकम इन इक्वालिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकनोमिक इन इक्वालिटी बिकॉज वीडियो कैन में मैं इसका जवाब आपको दे दूंगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कजनेट कर्व कजनेट कर्व होता क्या है कजनेट कर्व इज एक्चुअली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इन इक्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इन के बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसमें कुछ नहीं होता एक तरीके एक तरफ हम क्या करते हैं एक तरफ हम शो कर देते हैं कि इन्हें कितनी है इनकम इन मतलब जैसे हमारे अंबानी जी हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है और वहीं पे हमारे दूसरी धारावी में हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है गिनी कोफिशेंट से हम आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं इस तरीके की चीजें तो एक तरफ हम शो करेंगे इनकम इन को और दूसरा हम दूसरी तरफ हम शो करते हैं पर कैपिटा इनकम तो हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है तो इन पे क्या फर्क पड़ता है नॉट दिस कजनेट कर्व शोज शेप्ड रिलेशनशिप इससे एक यू शेप रिलेशनशिप मिलता है इसका मतलब ये चीज आइडेंटिफाई की गई कि इनिशियली जब पर कैपिटल इनकम बढ़ती है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो हमारा इन बढ़ जाती है मतलब हैव हैव और है के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ जाता है राइट right? मतलब ज्यादा हैव और हैव इन इक्वालिटी बढ़ने गिनी लगेगीफिशियंट आपका बढ़ने लगेगा वन को अप्रोच करने लगेगा ऑन दी अदर हैंड इट आइडेंटिफाई कि लेटर पार्ट जब हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंच जाते हैं एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जिसके बाद जो हमारा वो उल्टा कम होने लगती है तो ऐसा हो क्यों रहा है इसको कजनेट्स ने सिंपल तरीके से इसके रीजन दिए थे कजनेट सेट पहले इनक्वालिटी ज्यादा होती है और इसका रीजन है कैपिटलिज्म वगैरह जैसे मार्क्स वगैरह ने बोला कि जो वेल्दी पीपल होते हैं उन उनपे तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं वो इन्वेस्टमेंट करते रहते उनको पैसा मिलता रहता जैसे हमारे अंबानी जी पर जो नॉन वेल्दी होती है जो हमारी माइग्रेंट वर्कफोर्स होती है उसकी वजह से हमारा क्या होता है इनकोलिटी बढ़ती है होता क्या है जब एक तो आपके रूरल आपके अर्बन लेबर फोर्स होती है राइट right? इसके बाद रूरल लेबर फोर्स भी माइग्रेट कर जाते हैं क्यों क्योंकि अर्बन एरिया में तो खास जॉब क्रिएट हो नहीं रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज्यादा जो जॉब्स है वो अर्बन एरिया में आपकी बन रही हैं तो रूरल लेबर क्या करेंगे आपके अर्बन एरिया में चले जाएंगे अब होगा क्या जॉब कम है लेकिन डिमांड ऑफ जॉब ज्यादा है तो अगर बाय द वे ये पहले अगर उस काम को सौ रुपए को करने को तैयार थे तो ये वहां से आएंगे कि मैं अस्सी रुपए में करने को तैयार हूं ये जॉब मुझे दे दो दूसरा तीसरा बोलेगा मैं सत्तर रुपए में करने को तैयार हूं और जो कैपिटलिस्ट होगा उसके अंदर कोई वेलफेयर ओरिएंटेशन तो है नहीं वो ये काम इसको दे देगा जिसकी वजह से जो आपकी वेज होंगी वो सप्रेस हो जाएंगी राइट तो इन ये इन्वेस्टर कम ही हैं इनके साथ कोई कम्पीट नहीं कर रहा इनके साथ इतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना लेबर फोर्स में कॉम्पिटिशन हो रहा है एंड दिस इज सेट टू बी द प्रोमिनेंट रीजन कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो आपकी इनक्वालिटी होती है इसमें चाइना के केस में देखा भी गया था कि इनिशियली चाइना का गिनी को फिर आपका पॉइंट सिक्स के आसपास देखा गया दिस इज एन एग्जाम्पल चाइना में किस तरीके से इनकम इनक्वालिटी बढ़ती देखी गई थी लेकिन फिर कज़नेस ने बोला बट एक मोमेंट के बाद क्या होता है वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट आपके पिक्चर में आ जाती है और वो वेरियस राइट प्रोवाइड करती है पुअर पॉपुलेशन को जैसे हमारी कंट्री में क्या ईडब्ल्यू एस रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शन मिड डे मील स्कीम है राइट टू एजुकेशन है या फिर मिनिमम वेज एक्ट भी है मिनिमम वेज एक्ट के अंदर आप गवर्नमेंट आप बोल देगी मग में ही नरेगा में ही हम कम से कम सौ रुपए डेढ़ सौ रूपये डेली दे रहे हैं तो इससे कम आप वेज, वेज दे ही नहीं सकते मिनिमम वेज एक्ट और इन सबके थ्रू देन इ टॉक्ट अबाउट बिकॉज ऑफ वेलफेयर स्टेट वेलफेयर स्टेट की वजह से इसके बाद इनवालिटी कम होगी ठीक है तो ये था कजनेट कर का रिप्रेजेंटेशन इनिशियली इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो इन्हें बढ़ गई पर कैपिटल इनकम बढ़ने के साथ बट एक मूवमेंट के बाद इनकम बढ़ती है लेकिन सबकी बढ़ेगी उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों की बढ़ रही है पहले इनकम बढ़ी कंट्री की पर कुछ की ज्यादा बढ़ी और कुछ की बढ़ी कम लेकिन एक मोमेंट के बाद सबकी बराबर बढ़ती रहेगी तो ये था कजनेट कर का रिप्रेजेंटेशन राइट तो अब चलते हैं हम आगे आगे समझते हैं इन्वायरमेंट कजनेट कर क्या होता है जो आपका पिछला कजनेट कर्व था उसको जो देने वाले थे आपके थे साइमन कजनेट साइमन कजनेट ने दिया था लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कजनेट कर्व है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है इसको दिया था आपके जीन ग्रॉसमैन एंड एलन एन क्रूगर ने दे मॉडिफाइड द कर्व फॉर द इनवायरमेंट और रिजल्ट कुछ ऐसा ही था कि एक तरफ उन्होंने पर कैपिटल इनकम दिखाई और दूसरी तरफ सोशल इंडिकेटर बदल दिया दैट तो इज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पहला इससे पहले सोशल इंडिकेटर क्या था इन

After some time, but what happened? उन्होंने बोला कि लेकिन यह सिर्फ कुछ हद तक होता है उसके बाद क्या होता है इसके बाद आपका एनवायरमेंट एंड डिग्रेडेशन कम हो जाता है पहली बार तो जो मनी है वो मोर जो आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में जाता है राइट right? तो और दूसरा इन्होंने बोला की इस तरीके की टेक्नोलॉजी आने लगती है जैसे टेस्ला की कार है इलेक्ट्रिक कार है बायोडिग्रेडेबल हमारे वैसे बायोफ्यूल्स वगैरह आने लगे हैं हम हाइड्रोजन फ्यूल पे काम करने लगे हैं जिसके से पोल्यूशन क्या हो रहा है कम हो रहा है सो दिस इज वॉट दॉक्ट अबाउट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी मनी उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो जाएगा नॉट दिस इज क्वेश्चनेबल एक्चुअली बिकॉज रिसेंटली काफी टाइम ऐसा देखा गया है हम मतलब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वी सी की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना पोल्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगी हैं जैसे ई वेस्ट इंडिया इज अ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द ई वेस्ट तो पोल्यूशन तो ये कर रहे हैं इनकी कंट्री में पोल्यूशन कम हो रहा है बिकॉज दूसरी कंट्री जो इसका भुगतान भगत रही है तो कजनेट कर्व इस तरीके से क्वेश्चनेबल हो जाता है बट हमें यह जानना था कि कजनेट कर्व है क्या तो इसके लिए द तो फेमस कजनेट कर्व जो कि रिसेंटली न्यूज में था तो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका इनकम इनक्वालिटी के बीच में इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हुई अगर पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कनेक्ट करें बिकॉज वी आर हेअर जस्ट टू हेल्प यू थैंक यू सो मच Current Affairs by Forum IAS is an all in one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.